आज अगर गैस की शॉर्टेज है तो उसमें एक वजह, खान साहब आप 4 साल इख्तदार में थे, आपने ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, गैस एक्सप्लोरेशन के लिए कुछ नहीं किया। आपके वुजरा हेलीकॉप्टर में बैठ के सेल्फियां खींचते थे, ऐलानात करते थे कि हाँ बहुत बड़े हमने जखायर ढूंढने जा रहे हैं। ढूंढने से पहले ऐलान हो जाता था, क्यों? क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी थी। लेकिन आपने देखा कि होता कुछ भी नहीं था। आपने एलएनजी की जब बिल्कुल लोएस्ट प्राइसेस थी, बार बार मीडिया कहता रहा, हम लोग कहते रहे भाई स्पॉट बाइंग कर लें, प्राइसेस कम हैं, आज खरीदेंगे कल इसका फायदा होगा आपको। जिस तरह अभी बैनुल अक्वामी कुव्वतों ने खरीद लिया गैस, आप खरीद लें, ये गैस आपके काम आएगी सर्दियों में। ये पिछले साल की बात है, गरीब का चूल्हा जलेगा, सनतें चलेंगी, ट्रांसपोर्ट चलेगी, लेकिन नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट अफरा तफरी थी। जब हुकूमत में थे तब भी अफरा तफरी क्रिएट करनी थी, जब हुकूमत से चले गए तब भी अफरा तफरी क्रिएट करनी है। अप्रैल से सुन रहे हैं असेंबलियां तोड़ देंगे, अप्रैल से सुन रहे हैं असेंबलियां तोड़ देंगे। क्या मकसद है इसका, इस ऐलान का? ओ भाई तोड़नी है तोड़ दो। अप्रैल से बार बार लोगों को गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला करना कि मैं पंजाब असेंबली तोड़ दूंगा, मैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ दूंगा। आखिर में अभी दिसंबर के महीने में बार बार कहते रहे बस बड़ा ऐलान, बड़ा ऐलान, बड़ा ऐलान, फिर तोड़ने का ऐलान नहीं किया, कहा कि फलां तारीख को तोड़ दी जाएगी। और फिर माशाल्लाह ये भी इमरान खान साहब ही कर सकते हैं कि अदालत में अंडरटेकिंग दे के आते हैं कि हम असेंबली नहीं तोड़ेंगे।